नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। सहारनपुर में आज सैनी समाज द्वारा महान सम्राट अशोक की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। सैनी समाज के लोगों ने सम्राट अशोक के चित्र पर मालार्पण की। इस मौके पर पंकज सिंह सैनी, प्रमोद सैनी, बाबूराम सैनी, धरेराम सैनी आदि लोग मौजूद रहे। आज हमारे समाज के महान गौरव सम्राट अशोक महान की 370वीं जयंती मनाई गई। जेडी प्रसाद साहब ने उनके जीवन पर और भारत के उस स्वर्णिम काल पर चंद्रगुप्त मौर्य के ये पोत्र के रूप में इनका जो शासन काल रहा है वो इतिहास के पन्नों में भारतवर्ष के लिए स्वर्णिम काल है। यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 24 मार्च से 30 मार्च तक नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक हरियाणा में आयोजित की गई थी, जिसमें सहारनपुर की आस्था पाहवा ने स्वर्ण पदक जीत। मार्च तक यूथ नेशनल में आस्था पाहवा ने स्वर्ण पदक हासिल कर एशियन चैंपियनशिप बॉक्सिंग चैंपियनशिप बैंकॉक में टिकट पाया। अभी हाल ही में 19 तारीख से 28 अप्रैल तक आज तो बैंकॉक में होने वाले एशियन चैंपियनशिप में प्रतिभाग करेगी। हमें बड़ा हर्ष की बात है कि हमारे सहारनपुर की बेटी एशियन में जाकर पदक लाए और हमारे प्रदेश और हमारे जिले का नाम रोशन करे। सहारनपुर में आज बाबा रामदेव के 3 दिवसीय योग शिविर में पहले दिन हजारों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने इस योग शिविर में भाग लिया। बाबा रामदेव ने योग करने के तरीके बताए, वहीं बाबा के बताए गए योगों को लोगों ने सीखा और बाबा बताए अनुसार किया भी। योग करने में सबसे ज्यादा रुचि महिलाओं में देखने को मिली। सहारनपुर में आज सेंट थॉमस चर्च में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु पर जय पाने के ईस्टर के पावन अवसर पर सुबह 4 बजे प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों सहित महिलाओं पुरुषों ने उत्साह के साथ हाथों में कैंडल जलाकर देहरादून चौक से चौधरी चरण सिंह चौक और आए होते हुए सेंट थॉमस चर्च पर पहुंचे। शामली क्षेत्र के गांव पिंडोरा में ट्रक की टक्कर लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और रोड को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने परिवार वालों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया।